हरे कृष्णा बाबू जी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरावन जारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाहं ददाति स्वपदधिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं कमलं श्रीगुरुं वैश्यवाञ्छं श्रीरूपं साग्रजान्तं सहगणरघुनाथं तं सजीवं सावदेतं सावधूतं सत्परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखनितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्रे देवी प्रणमामि हरे प्रिय वाचा कल्पत्रुभ्यो कृपा सिंधुभ्यो वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधि गौरव भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरी बोल हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटिफुली रिसाइटिंग द कीर्तन एंड मंगलाचरण। तो ये जो हम लोग हर संडे ये फोटो देखते हैं ना, अब आप में से जो लोग हमारे साथ मायापुर गए उन्होंने साक्षात भी दर्शन कर लिया होगा इस फोटो का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पांच विग्रह हैं हमारे सामने, ठीक है। तो इकट्ठे इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, क्या नाम है इस ग्रुप का, दिस ग्रुप ऑफ फाइव? एनीवन हु वांट्स टू ट्राई? सुहाना माता जी, थैंक पंचतत्व यू। एंड आई गेस सबका यही आंसर होगा, पंच तत्व, पंच फाइव तत्व, ठीक है। और इसमें से हम आज सीख लेते हैं कि कौन क्या है, ठीक है। सो ये है पंच तत्व। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे ऐसे, हाँ, तो सबसे पहले मैं बीच वाले को डिस्कस करता हूं। यहां पर है चैतन्य महाप्रभु, दिस इज चैतन्य महाप्रभु। एंड हु वॉज चैतन्य महाप्रभु इफ आई हैव टू से? एक है भगवान कृष्ण जो साक्षात आए थे, ठीक है, 5,000 साल पहले। बट दिस टाइम कृष्ण केम इन द फॉर्म ऑफ अ डिवोटी हिमसेल्फ। ही वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस कि मेरे परम शुद्ध भक्तों का कितना भाव है दिल में, कैसा भाव होता है, कि कैसे वो इतना खुश रहता है मेरी सेवा में। तो वो भाव को एक्सपीरियंस करने के लिए वो आए थे एस चैतन्य महाप्रभु। बट जिस भाव में वो आए वो थी उनकी परम सेविका श्रीमती राधा रानी के भाव में, ठीक है। सो दिस इज अ कंबाइंड इनकार्नेशन। ऑल्सो दिस इज अ गुप्त अवतार, मतलब गुप्त मतलब थोड़ा सीक्रेट टाइप का। नॉट एवरी वन विल हैव नॉलेज, हैव अवेयरनेस, हैव श्रद्धा इन चैतन्य महाप्रभु। बट इन कलयुग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ चैतन्य महाप्रभु इज एवरीथिंग वी नीड टू हियर एंड नो एंड प्रैक्टिस, ठीक है। सो कृष्ण तो साक्षात आए द्वापर युग में, बट इन कलयुग कृष्ण केम एज चैतन्य महाप्रभु विच वॉज अ गुप्त इंकार्नेशन एंड इट वॉज अ जुगल अवतार बोलते हैं, जुगल कंबाइंड इंकार्नेशन। श्रीमती राधा रानी के मूड में आए थे वो कृष्णा का ही इंकार्नेशन, बट इट केम इन द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इज चैतन्य महाप्रभु। एंड इन 99% ऑफ द केसेस ऑफ्टन यू विल फाइंड हिम ड्रेस्ड इन येल्लो कलर, ठीक है, येल्लो। नाउ इनके राइट साइड में, अब इनके लिए तो राइट साइड में हो गए ना, ब्लू में 99% केसेस में आपको ब्लू ड्रेस में ही ये दिखेंगे, दिस इज नित्यानंद प्रभु, द मोस्ट मर्सीफुल ऑफ ऑल, ठीक है। एंड इट्स लाइक टू एक्सेस समवन इंपॉर्टेंट, उनका जो अंडर होता है, जो सेक्रेटरी है, उसको आपको क्रॉस करके उनके पास जाना होगा ना। सो सिमिलरली नित्यानंद प्रभु के ब्लेसिंग्स के बिना इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव कृष्ण। सो दिस इज नित्यानंद प्रभु। देन नंबर थ्री वी हैव अद्वैत आचार्य, जो सबसे एजेड है, ठीक है, दाढ़ी निकला हुआ है इनका, बुढ़ापा। और इट वॉज अद्वैत आचार्य ओनली जिन्होंने भगवान से रिक्वेस्ट किया था, प्रे किया था कि भगवान प्लीज आप कलयुग में आइए, बिकॉज कलयुग में लोगों का हालत बहुत खराब हो गया था। तब भगवान ने डिसाइड किया कि आई विल कम एज चैतन्य महाप्रभु। सो इट वॉज बिकॉज ऑफ हिज डिजायर।
नंबर फोर वी हैव गदाधर, गदाधर पंडित यहाँ पे. देन नंबर फाइव वी हैव श्रीवास आचार्य. सो वन टू थ्री फिर फोर फिर फाइव. ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. अगले संडे मैं आपसे पूछूंगा तो मैं किसी को भी सिलेक्ट कर लूंगा. ठीक है, तो आप ट्राई करिएगा बोलने का. ऑलराइट, अब हम एक और इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करेंगे. सो दिस इज श्री चैतन्य महाप्रभु. ये किसको रिप्रेजेंट करे? दिस वॉज कृष्णा हिमसेल्फ इन द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी, ऑफकोर्स. ठीक है, दिस वॉज नित्यानंद प्रभु विच इज नन अदर देन बलराम. जहां भगवान है वहां बलराम है उनके साथ. राम है तो लक्ष्मण है, कृष्ण है तो बलराम है, चैतन्य महाप्रभु है तो नित्यानंद प्रभु है. ठीक है, इनफैक्ट कृष्ण बलराम इज द फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ कृष्णा. ठीक है, जो भी सामान आप यूज करते हो, पूजा घर में आपके अगरबत्ती है, घर में दिया है, घंटी है, वो मैट जिसके ऊपर आप पैर रख के खड़े होते हो, ठीक है, आसन बोलते हो गे, तो इन सब चीज में बलराम का वास है. ठीक है, ये इस चीज को हमको मन में रखना है. सो वी शुड ट्रीट ऑल दिस थिंग्स विद रिस्पेक्ट. नाउ नंबर थ्री, अद्वैत आचार्य इज वॉज द इनकार्नेशन ऑफ सदाशिव, मतलब शिव जी. ये शिव जी के इनकार्नेशन थे. यहाँ पे ब्रह्म आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, दिस इज शिव जी. और इन्होंने प्रे किया था कि प्लीज टेक बर्थ, कम टू कलयुग इन एनी फॉर्म एंड हेल्प अस, हेल्प द पीपल ऑफ कलयुग अंडरस्टैंड हाउ टू अचीव यू बिकॉज वी आर लॉस्ट नाउ. इस युग में हम और डिग्रेड हो गए हैं. देन नाउ आई कम टू नंबर फोर. ये गदाधर पंडित इज नथिंग बट श्रीमती राधा रानी हरसेल्फ. ठीक है, एंड नारद मुनि इज श्रीवास आचार्य. नंबर फाइव, सो यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर. और इसीलिए हम लोग चैंटिंग जब शुरू करते हैं और जब एंड करते हैं, दोनों टाइम हम लोग क्या मंत्र बोलते हैं, देखिए नीचे लिखा है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि, मतलब एक्सेट्रा गौर भक्त वृंद, और जितने भी इनके साथ इनके एसोसिएट्स थे ड्यूरिंग द 1400s एंड 1500s. राइट, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर. तो ये पंच तत्व आए थे कलयुग में हमको क्या उद्देश्य देने, व्हाट इज द बेस्ट वे टू अचीव द लॉर्ड टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड. कौन बताएगा? अंशवी माता जी. हरे चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, आप ऑडिबल नहीं हो, आई एम सॉरी, फिर से बोलिए ना. कैन यू हियर मी? अच्छा कोई बात नहीं, चलिए. ओके, इन्होंने शायद लिख के दिया है महामंत्र चैंटिंग. थैंक यू सो मच. एक यज्ञ है, हर युग में यज्ञ होता है, तो इस बार यज्ञ का नाम है संकीर्तन यज्ञ, एक साथ चैंटिंग करना, कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग. ठीक है, तो यही युग धर्म है हरि नाम. ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड एंड स्टार्ट आवर सेशन ऑन द 1st ऑफ डिसंबर, सेशन 113. हम लोग चैप्टर 11 को फॉर्मली स्टार्ट कर रहे हैं. पिछले संडे चैप्टर 10 खत्म किया था और 11 को ऐसे ही ब्रीफ ऊपर ऊपर से डिस्कस किया था. टुडे वी विल डू 15 श्लोकास ऑफ चैप्टर 11. ठीक है, फर्स्ट 15 श्लोकास. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि अब हम नए चैप्टर में जा रहे हैं तो हम क्या एक चेंज एक्सपेक्ट करेंगे. 10 और 11 में डिफरेंस क्या है? ठीक है, 10 वॉज ऑडियो वर्जन, 11 विल बी वीडियो वर्जन. सो 10 में भगवान ने अपने बारे में बोला ताकि जान जाओगे तो मान जाओगे, है ना, मैं ये हूं मैं वो हूं. और 11 में भगवान जो बोला उसको करके दिखा देंगे ताकि और भी कोई अगर था जिसके मन में शंका रह गया वो भी क्लियर हो जाएगा. तो इसीलिए यहां पर भगवान अपना विश्व रूप दिखाएंगे जिसको विराट रूप भी बोलते हैं. और चैप्टर 11 को हमने नाम दिया है RUPA रूप. सबसे पहला 4 श्लोक में अर्जुन महात्मा भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज अपना विराट रूप दिखाइए, मतलब जो आपने अभी तक समझाया प्लीज मुझको विजुअल फॉर्म में वो चीज दिखा दीजिए. यू फॉर 5 to 14 में कृष्णा उनको अपना विराट रूप दिखाते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे. और हम 15th पे आज श्लोक क्लास को एंड करेंगे, विच इज फिर अर्जुन महात्मा प्रेयर करने लग जाएंगे, जो ग्लोरिफिकेशन करेंगे कि वाह आपके पास ये है, आपके पास वो है, ये है वो है. और फिर लास्ट में ही विल ऑल्सो गेट अ बिट डेजल्ड, आई वोंट से फियर, डर जो है डेवोटी में नहीं होता है, बट थोड़ा सा उनके लिए अनयूजल हो जाएगा भगवान को इस रूप में देखना. तो ही विल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज अपना वापस 400 या एटलीस्ट 200 फॉर्म में वापस आ जाइए. ठीक है,
सो नाउ वी स्टार्ट विथ श्लोका 11, श्रील प्रभुपाद की जय। तो चैप्टर 11 का श्लोका 1, सॉरी फर्स्ट श्लोका में अर्जुन महात्मा बोलते हैं, बाय हियरिंग द इंस्ट्रक्शंस यू हैव गिवन इन चैप्टर 10 अबाउट दिस कॉन्फिडेंशियल स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स। हमारी स्कूल में जो एजुकेशन मिलती है वो मटेरियल एजुकेशन है, उसमें मटेरियल सब्जेक्ट्स होती है, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल सब्जेक्ट की बात हो रही है जो कि बहुत कॉन्फिडेंशियल है। एंड बाय द वर्ड कॉन्फिडेंशियल आपको याद आना चाहिए कि 9 और 10 ये दोनों चैप्टर मिडिल मोस्ट है और ये दोनों मोस्ट कॉन्फिडेंशियल चैप्टर्स है, राइट? और 9 और 10 खत्म हो गया ना, कॉन्फिडेंशियल पार्ट खत्म हो गया ना, अब 11 शुरू हो रहा है विच इज नॉट दैट कॉन्फिडेंशियल, ठीक है? सो अब अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं कि आपके इन दोनों चैप्टर्स की वजह से, 9 और 10 की वजह से, 11 आते आते अब मैं बोल पा रहा हूं कि माई इल्यूशन हैज बीन डिस्पेल्ड, ठीक है? श्लोका 2, जस्ट अ सेकेंड। आई हैव सम नोट्स प्रिपेयर्ड फॉर यू। सो श्लोका 2 अब शुरू हो रहा है एंड अर्जुन, ये मैंने पिछले संडे बोला था, अर्जुन महात्मा इज एड्रेसिंग कृष्णा एज ओ लोटस आइड वन, कमल नयन इज द वर्ड, ठीक है? ये लोटस के बारे में कुछ खास चीजें कौन बताना चाहेगा? कुछ भी याद आ रहा है, कोई एक फैक्ट या कोई दो फैक्ट, एनीथिंग? लोटस सुन के क्या याद आ रहा है? सौम्या, प्रभु आप बताइए। प्रभु जी, ये 84 लाख स्पीसीज में नहीं आता है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, ये विष्णु जी ने बनाया था, इसलिए वेरी ये नाइस, वेरी एटी फोर नाइस, लाख स्पीसीज से डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, यू आर राइट। किसी को कोई डिफरेंट पॉइंट बोलना है, वो कीचड़ वाला एग्जाम्पल अभी मत दीजिएगा, ठीक है? वो कंसेप्ट हम फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? नो पॉइंट्स, क्योंकि हमने डिस्कस ही नहीं किए हैं। तो एक चीज तो इन्होंने बोल दिया सौम्य जी ने, लोटस इज नॉट द क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा, इट डज नॉट कम इन द 84 लाख स्पीशीज, ठीक है? नाउ अनदर फैक्ट, एक बार मैंने पूछा था ब्रह्मा जी का व्हीकल क्या है, तो हमने बोला, सबने क्या बोला, लोटस, ठीक है? तो लोटस कैन नॉट बी अ व्हीकल ना, वो कोई एनिमल होगा, ठीक है? तो द पॉइंट इज, हमने बाद में डिस्कस किया कि वो स्वान है, ठीक है, हंस, हंस बोलते हैं ना, बट इनका आसन, ब्रह्मा जी का आसन लोटस है, ठीक है? आसन मतलब जिसके ऊपर बैठते हैं, अभी मैं चेयर पे बैठा हूं, तो ये आसन उनका लोटस है। तो ब्रह्मा जी ने लोटस को नहीं बनाया, ब्रह्मा जी खुद विष्णु की नाभि से निकले हुए लोटस से वो आए हैं, तो लोटस क्रिएटेड ब्रह्मा, इफ यू वॉन्ट टू से इन अ डिफरेंट वे। एनीवे, सो नंबर 1, लोटस ब्रह्मा का आसन है। नंबर 2, जैसा कि सौम्य जी ने बोला, इट इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा, इट डज नॉट कम इन 84 लाख स्पीशीज। एंड नंबर 3, जो आप शायद सुने भी होंगे बट अभी भूल गए, भगवान कृष्ण का जो गोलोक वृंदावन धाम है, इट इज इन द शेप ऑफ लोटस। इफ यू रिमेंबर द पिक्चर, इट इज इन द शेप ऑफ अ लोटस, ठीक है? और लोटस इतना दिव्य है, अगर किसी की बहुत तारीफ करनी है तो उनको लोटस से कंपेयर कर दीजिए, और टेक्निकली किसी नॉर्मल इंसान की हमें इतनी बड़ी तारीफ करनी करनी नहीं चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स वो उतने योग्य नहीं होंगे, लेकिन भगवान का या कोई प्योर डेवोटी का हम तारीफ कर सकते हैं, जैसे कि योर लोटस फीट, ठीक है, योर लोटस आईज, योर लोटस हैंड, योर लोटस लेग्स, तो लोटस से कंपेयर करते हैं। इट इज समथिंग वेरी प्योर, इट इज सुपरा नेचुरल, इट इज ट्रांसेंडेंटल, इट इज डिवाइन, ठीक है? लोटस, ऑलराइट। सो आई हैव हर्ड फ्रॉम यू इन डिटेल अबाउट द अपियरेंस एंड डिसअपियरेंस ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी एंड रियलाइज योर इनएग्जॉस्टिबल ग्लोरीज। तो अर्जुन जी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इन दो चैप्टर्स में। अब ओ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पर्सनैलिटीज, ओ सुप्रीम फॉर्म, दो बार इनको संबोधित कर रहे हैं, दो आई सी यू हियर बिफोर मी इन योर एक्चुअल पोजिशन एज यू हैव डिस्क्राइब योर सेल्फ। अभी आप भगवान कृष्ण अपने एक्चुअल रूप में आए हो, राइट? कोई इनकार्नेशन नहीं है। आई विश टू सी हाउ यू हैव एंटर्ड इन टू द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, आपने कैसे रचना की, आप कैसे विष्णु नंबर 1 बने, फिर विष्णु नंबर 2 बने, फिर यहाँ पे विष्णु नंबर 3 बने, राइट? आई वॉन्ट टू सी डेट फॉर्म ऑफ योर्स। तो ये अर्जुन महात्मा की रिक्वेस्ट है ना। जस्ट अ सेकेंड, यस, बट एक्चुअली ये अर्जुन महात्मा की रिक्वेस्ट नहीं है, अर्जुन महात्मा इज जस्ट एन इंटरव्यूअर ऑफ द इंटरव्यूड कृष्णा, जिसके ऑडियंस आप और मैं हैं, ठीक है? तो मैं हूं, तो यहां पर अर्जुन वॉन्ट्स टू सी द यूनिवर्सल फॉर्म टू सेट अ क्राइटेरिया, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई भी इंपोस्टर बोलेगा कि मैं भगवान का अवतार हूं, जैसे ओ माई गॉड मूवी आई थी ना अक्षय कुमार एंड परेश रावल की, तो उसमें एंड में क्या हो जाता है, क्लाइमेक्स में लोटस
लोगों को लगता है कि वो जो हीरो है स्टोरी का वो ही कल की अवतार है, बट वेदास में तो लिखा है कि कल की अवतार 4 लाख साल बाद आएगा, राइट? बट वेदास तो हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, तो हमने उनको ही भगवान मान लिया उस मूवी में। तो द पॉइंट इज ये होगा जैसे मूवी में स्टोरी में दिखाया ना, ये रियलिटी में जैसे घोर कलयुग आएगा ये होते रहेगा, बट वी नीड अ प्रूफ। दैट इज अर्जुन सेट अ क्राइटेरिया एंड द पीपल शुड बी केयरफुल, क्योंकि अगर कोई भी बोले कि मैं भगवान हूं तो आप विराट रूप दिखाइए, कोई देवी देवता ने आज तक विराट रूप नहीं दिखाया, ओनली श्री कृष्ण हैज शो। और एक और आएगा आर्ग्यूमेंट, कोई बोल देगा कि मैं तो भगवान हूं, फिर आप बोलोगे जैसे मैंने बोल दिया मैं भगवान हूं, ठीक है मेरी पूजा करो, और फिर यहां पर सौम्य प्रभु ने बोला कि अगर आप भगवान हो तो विराट रूप बन के दिखाओ, तो आई विल रिप्लाई सौम्य कि आपके पास दिव्य दृष्टि नहीं है कि आप मुझको देख सको, आपका तो आईज एक ग्रॉस सेंस है, आप उस स्टार को भी अभी देख नहीं सकते सनलाइट में, तो हाउ विल यू नो आई एम गॉड, बट आई एम गॉड। बट ट्विस्ट ये है कि भगवान कृष्ण, अभी जब श्लोका नंबर 8 आएगा ना, मैं अभी से ही बता देता हूं, श्लोका 8 में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलेंगे कि मेरा विराट रूप देखने के लिए आपके पास दिव्य दृष्टि होना जरूरी है, वो मैं आपको प्रदान कर रहा हूं, ठीक है? तो अगर फ्यूचर में कोई बोले आई एम गॉड और आई एम इनकार्नेशन ऑफ गॉड कोई भी एंगल से, तो दे इट इज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू दैट पावर सो दैट यू कैन सी दे आर गॉड, इफ यू कांट देन दे आर नॉट गॉड, दैट इज द थिंग। ऑल राइट, इनफैक्ट कोर्ट में भी होता है, आई स्टार्टेड दिस सेशन विद एन एग्जाम्पल कि एक होता है ऑडियो चैप्टर 10 एंड दिस इज वीडियो चैप्टर 11। सो कोर्ट में क्या होता है आज के डेट में, कलयुग के कोर्ट्स में, नॉट अबाउट यमराज का कोर्ट, हाँ कलयुग के कोर्ट्स में क्या होता है यहाँ पे, जैसे कोई वी नीड एन एविडेंस टू अरेस्ट दिस अक्यूज्ड क्रिमिनल, तो जैसे मान लीजिए कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने सुना दी, कोई कॉल रिकॉर्डिंग जिससे प्रूफ हो गया कि हाँ इसने क्राइम किया है। कभी कभी आजकल ऐसा फैशन हो गया कि एआई के जमाने पे मैनिपुलेट भी हो जाता है ना, कोई भी किसी का भी आवाज निकाल लेता है, कोई मिमिक्री आर्टिस्ट है, कोई एआई जनरेटेड वॉइस है, तो आजकल जो है कोर्ट हैज बिकम वेरी कॉशियस एंड दे हार्डली होल्ड एनी ऑडियो एविडेंस एज एडमिसेबल। ज्यादा किफायती क्या होता है, ज्यादा कन्विंसिंग क्या होता है, वीडियो एविडेंस, ठीक है वो वाला ज्यादा कन्विंसिंग होता है, उसको अभी भी ठीक से हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर पाते, इतना इतना भी आसान नहीं है, सीसीटीवी वगैरह में पकड़े जाते हैं, तो ये हो गया। तो बिकॉज हमारा ग्रॉस सेंसेस से हम सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको विजुअल एविडेंस को ज्यादा प्रायोरिटी देना पड़ता है, ये कलयुग की हालत है, इसलिए भगवान ने कलयुग के लोगों के लिए विराट रूप दिखाया। बट चैप्टर 11 इज नॉट, एंड आई रिपीट, चैप्टर 11 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर डिवोटीज, इट इज ओनली अ प्रूफ फॉर द मेटेरियलिस्टिक पीपल हु आर डिक्लाइनिंग दैट दे सी कृष्ण एज गॉड, तो दिस इज टू कन्विंस देम, बट दिस इज नॉट फॉर द डिवोटीज हु आर ऑलरेडी कन्विंस्ड। डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू समथिंग बिफोर, द बेस्ट वे टू सी गॉड इज थ्रू योर नोज, राइट? क्या था, व्हाट इज द बेस्ट वे टू सी गॉड? सेम पीपल आर रेजिंग देयर हैंड्स। ओके, दीपिमा माता जी ने चैट में आंसर लिखा इयर्स, बट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू रेज योर हैंड्स, ठीक है? ऑल राइट, सो इयर्स, ये है डेवोटी। इसीलिए डेवोटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, चैप्टर 9 और चैप्टर 10, दे आर कॉन्फिडेंशियल। चैप्टर 10 इज इंपॉर्टेंट मोर देन चैप्टर 11 फॉर अस, क्योंकि भगवान को सुन के ही हम जो है दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, ईयर से सुनना है, बट 11 चैप्टर इज फॉर द वर्ल्ड, ठीक है? दैट्स द थिंग। नाउ लेट्स कम टू, जस्ट अ सेकेंड, हमने 3 भी कर लिया है। ओके, 3 में मुझे आपको एक और चीज बतानी थी, क्यों ये दुनिया ऐसी है, दिस इज बिकॉज हमारा ना फॉल्स ईगो बहुत है। फॉल्स ईगो क्या होता है, इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है फॉल्स ईगो, दैट इज इट, हमारा लस्टफुल डिजायर जो होता है उसका भी इंटेंशन फॉल्स ईगो से ही है, रूट इंटेंशन। सो फॉल्स ईगो इज आवर ग्रेटेस्ट एनिमी। चैप्टर 3 में भगवान ने बोला था आवर ग्रेटेस्ट एनिमी इज लस्ट, और वो लस्ट कहां से पैदा हो रहा है, फॉल्स ईगो से। हमारी धारणा क्या है अपने आप को लेके, लाइफ को लेके, डेथ के बाद क्या होगा उसको लेके। सो राधानाथ स्वामी महाराज का एक बहुत अच्छा कोट है, द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू पेनिट्रेट द क्लाउड ऑफ फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो का क्लाउड में हम है, ठीक है, मतलब एक तरह से अंधकार में है, तो इससे बाहर निकलो, एंटर इनटू द स्पिरिचुअल स्काई एंड रिवाइव आवर इटर्नल रिलेशनशिप विद गॉड। यहाँ जो देख रहे हो, ये मम्मी पापा, ये घर, ये स्कूल, ये आईफोन, ये लैपटॉप, ये परमानेंट नहीं है, जो परमानेंट था उसको भूल के मैं यहाँ आ गया, और फॉल्स ईगो में हूँ कि ये परमानेंट है, ये सब कुछ है, ठीक है, ये लड़की के साथ मेरा 7 जन्म का रिश्ता है, 7 बार मैं बर्थ एंड डेथ लूंगा, विच इज
प्योरली इलॉजिकल। और यहां पर एक फोटो बहुत अच्छा है, बबल, इट्स अ बबल, फॉल्स ईगो का बबल बना लिया हम लोग। एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, नहीं कि शटर हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, विश्वास नहीं होगा कि हमारे साथ इतनी बेइज्जती, इसने मुझे ये कैसे बोल दिया। और ये रहा, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है, अपने आप को मिरर में देख रहे हो, रियलिटी में हम कुछ नहीं है बट इल्यूजन में है कि या वी आर द एंजॉयर, वी आर पुरुष, ठीक है। और चैप्टर 15 में एक श्लोक आएगा बट मैं इस फोटो के लिए अभी इसको दिखा रहा हूं। द वर्ल्ड कस कर सती, जो श्लोका में आएगा, स्ट्रगलिंग और ग्रैपलिंग हार्ड इज इंपॉर्टेंट। जो हम कंडीशन सोल्स है ना, वी आर बाउंड अप अस शैकल्ड ऑफ आयरन चेन। देखिए क्या हो रहा है, व्यक्ति का मुंह ऊपर है, ऊपर है, फॉल्स ईगो वाला व्यक्ति ऊपर देखता है, नीचे नहीं देखता है, हम्बल व्यक्ति नीचे देखता है, राइट। तो ये इस लॉक को तोड़ना है, ठीक है। एक तरीका ये है, इसकी चाबी ये रहे, कंठी माला पहन लो, लॉक टूट जाएगा, ठीक है। सो ही इज बाउंड अप बाय फॉल्स ईगो एंड द माइंड इज द चीफ एजेंट व्हिच इज ड्राइविंग हिम इन मटेरियल एग्जिस्टेंस। माइंड हमारा फ्रेंड भी बन सकता है बट ऑफ्टन हम उसको अपना दुश्मन बना देते हैं। एक और चीज है जिसको लॉक से कंपेयर किया, जैसे यहाँ पे ईगो को लॉक से कंपेयर किया ना, और ये आया था हमने प्रीवियस चैप्टर में, एक प्रभुपाद का पर्पट देखा था जिसमें बोला था द शैकल्स ऑफ सेक्स डिजायर, मतलब सेक्स डिजायर को एक बंदिश, एक हथकड़ी की तरह कंपेयर किया गया कि हमको बांध के रखता है। और ये ऐसा जेल है मेटेरियल वर्ल्ड और यहाँ के मेटेरियल डिजायर्स की हमको इस बाहर निकलना ही नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट गार्डेड प्रिजन्स इन द वर्ल्ड इज ग्वांटानामो बे इन अमेरिका, वो एक आइलैंड में है। सो बेसिकली इवन इफ यू एस्केप, आप तैर के पहुंच नहीं पाओगे, बहुत दूर है लैंड से, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एस्केप दैट प्रिजन इन अमेरिका। एंड वहां पर तो फिर भी लोगों के अंदर वो होता है ना, एक लालसा कि मैं एक दिन बाहर निकलूंगा, या मैं फटाफट लोगों को मिलना चाहता हूँ, और ऐसी ऐसी चीजें, दे हैव अ होप दैट दे विल कम आउट, दे डोंट लाइक द जेल। बट मेटेरियल वर्ल्ड, माया इतनी ताकतवर है इंसानों के कंपैरिजन में, उन्होंने एक ऐसा जेल बना दिया जिसमें हमको रहने का मन है और इच्छा है कि और नीचे जाओ, और डीप जाओ इस जेल के। कैन यू सी, वी आर स्ट्राइविंग टू गो मोर डीप इन टू दैट जेल, एंड रेयर पीपल वुड लाइक टू एस्केप इट इन द राइट वे। सो दैट इज द थिंग, ठीक है। एंड वी हैव टू बी हम्बल, यहाँ पर ये हमको सीखने को मिल रहा है। और एक और बात विच आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू, जो आप याद रखिए, जस्ट बिकॉज अब हम धीरे धीरे डेवोटी लाइफ को समझने लगे हैं ना, कि मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं गीता क्लास कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि चार नियम फॉलो नहीं करना चाहिए, चार नियम फॉलो करना चाहिए, राइट, ताकि मैं गलत दिशा में नहीं चले जाऊं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हमको अहंकार आ जाए कि ओ नाउ आई एम लिटिल सुपीरियर टू दिस स्मॉल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मेरे को लाइफ का रियलिटी पता चल गया है और ये लोगों को कुछ नहीं पता, ये अभी भी चार नियम फॉलो नहीं करते हैं, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ में घूम रहे हैं। अपने आप को ऐसा सुपीरियर स्टेटस में फील नहीं कराना है, बिकॉज दैट इज वेरी रिस्की। द मोर यू डू भक्ति, द मोर यू गेट नॉलेज ऑफ दिस गीता, द मोर वी शुड बी हम्बल एक्चुअली एंड नॉट उल्टा सुपीरियर। तो ये धारणा हमको नहीं रखनी है, ठीक है। बिकॉज जस्ट लाइक अदर्स, वी हैव ऑल्सो गॉन टू मिलियंस ऑफ बर्थ एंड डेथ, और ये बाय मर्सी वी आर लकी दैट वी गेट दिस नॉलेज ऑफ गीता टूडे फ्रॉम शिला प्रभुपाद। एंड उनका नंबर कभी और आएगा, उन पे भी कृपा होगा, हमें प्रयास करना है प्रीचिंग करने का। इफ दे आर रेसिप्रोकेटिंग देन इंक्लूड देम ऑल्सो इन द सेशंस, इफ दे आर नॉट देन लेट देम वेट फॉर देयर टाइम, देयर टर्न, ठीक है। दैट्स इट। तो वी शुड ऑलवेज बी हम्बल एंड नॉट बी प्राउड कि अब हमको नॉलेज है, अब तो हम निकल जाएगा ऐसे, ये लोग सड़ेगा यहाँ पे, हम जा रहे हैं। वी शुड नॉट थिंक लाइक दैट, ठीक है, दैट इज द थिंग। तो ये भी फॉल्स ईगो, टू ऐसा सोचना कि अब मैं ऊपर आ गया, क्योंकि क्या होता है ना, माया कैन अटैक अस एट एनी मोमेंट। रिमेंबर ब्रह्मा के साथ एक बार क्या हुआ था, अजामिल के साथ एक बार क्या हुआ था, लास्ट संडे आई टोल्ड यू गरुड़ के साथ क्या हुआ था, गरुड़ जो भगवान का वाहन है, उनको अहंकार हो गया था। बिकॉज अगर अहंकार होगा ना, तो जैसे अगर मैं अहंकार करूँ, अरे मैं तो शराब नहीं पीता, अरे मेरे दोस्त लोग, पुराने दोस्त लोग पीते हैं, कैसे बेवकूफ है, मैं तो नहीं पीता, है आई एम मोर इंटेलिजेंट देन देम। यू माइट नॉट नो कि माया कैसा टेस्ट ले ले हमारा, तो वी कैन फॉल डाउन, देर इज ऑलवेज अ चांस। दैट इज वाई वी शुड बी हम्बल एंड प्रे फॉर कृष्णास मर्सी, दैट बिकॉज ही कंट्रोल्स माया, सो ही विल प्रोटेक्ट अस, वी आर नॉट एबल टू गेट ओवर माया बाय आवर सेल्स, ठीक है। सो वी शुड ऑलवेज बी हम्बल। ऑल राइट, लेट अस मूव अहेड। श्लोका 4, इफ यू थिंक दैट आई एम एबल टू, ओके नाउ अर्जुन इज टेलिंग टू कृष्णा, अगर आपको ऐसा लगता है दैट आई कैन बिहोल्ड, मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा आपका इस विराट रूप को, विशाल रूप को, विश्व रूप को, देन ओ मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक पावर, काइंडली शो मी दैट अनलिमिटेड यूनिवर्सल सेल्फ।
हम्बल तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक वर्ड है, ओ मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक पावर, महा, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक आउट, महायोगेश्वर वर्ड यूज करते हैं। अगर आप संस्कृत में जब ये श्लोक पढ़ेंगे, इस श्लोका में अर्जुन इज एड्रेसिंग कृष्णा इज महायोगेश्वर। ये योगीज होते हैं ना, योगीज लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, मैजिकल पावर्स, हवा में लेविटेट होना, पानी के नीचे बहुत देर तक रहना, अपने सांस रोक लेना, जंगल में सर्वाइव करना, पेड़ पौधे के बीच में बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, ऐसी ऐसी, इसको हम मिस्टिकल मैजिकल समझते हैं। हालांकि इसके पीछे उनकी साइंस है, नो डाउट, बट हु इज द मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिकल पावर, ठीक है। सो योगेश्वर जो है वो भगवान कृष्ण है। और क्यों क्यों यहाँ पर ये वर्ड यूज किया, बिकॉज अभी जो उनको दिखाएंगे विराट रूप, इट इज नॉट लेस देन एनी मिस्टिकल पावर, बहुत मैजिकल है ये दिखने में, ठीक है। सो नेट इज कम टू द नेक्स्ट पार्ट, आर खत्म हो गया, यू यूनिवर्सल फॉर्म का 10 श्लोक हम कंप्लीट करेंगे। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, एक और रीजन दूंगा, हम डिस्कस करें ना कि चैप्टर 10 हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, नॉट 11, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ होता है, बट हमारा रेलिवेंट चैप्टर 10 ज्यादा है कंपेयर टू 11। सो जब अभी हम लोग सब स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, पास आउट हो गए हैं, साइंस आया हुआ था स्कूल में एक बार, जिसमें केमिस्ट्री भी था, आई एम गेसिंग कि कई लोगों के स्कूल्स में केमिस्ट्री लैब्स होगा या प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस करवाते होंगे, ठीक है, केमिस्ट्री में स्पेशली। तो उसमें क्या होता था, हमको थ्योरी ज्यादा पढ़ाया जाता है और एक्सपेरिमेंट कम कराया जाता है। इफ यू रिमेंबर, हर चीज में जो है स्कूल्स में भी थ्योरी 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 पे ज्यादा फोकस होता है और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट पे हम लोग कम फोकस देते हैं। अब अगर हम मेटेरियल एडुकेशन की बात करें तो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट ज्यादा दिखाना चाहिए, वो स्कूल्स की फेलियर है, एडुकेशन सिस्टम की फेलियर है। बट व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल नॉलेज, बिकॉज वी आर इन कलयुग, जहां पर बड़े बड़े आचार्य यहां पर तो नहीं आएंगे, सो वी हैव टू रिलाई ऑन देयर श्रवण, ऑन देयर स्क्रिप्चर्स, ऑन देयर वाणी, एंड हियर सी कृष्णा थ्रू ईयर्स। मटेरियल वर्ल्ड को तो आप आंख से देख सकते हो, दैट्स व्हाई वी हैव टू फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज इन स्कूल्स, एक्सपेरिमेंट्स, इससे हमको याद भी रहेगा बेटर। लेकिन स्पिरिचुअल में वी हैव टू फॉलो दिस सिस्टम, बिकॉज ये चैप्टर 11 विराट रूप इज फॉर द वर्ल्ड, बट डिवोटीज ओनली नीड चैप्टर 10 थ्योरी, बिकॉज दे सी कृष्णा थ्रू देयर ईयर्स, ठीक है, याद रखिएगा। ऑलराइट, तो नाउ 5 श्लोका, श्लोका 5, कृष्णा उवाच आ गया है, माय डियर अर्जुन, ओ सन ऑफ प्रिथा, सी नाउ माय ऑप्यूलेंसेस, मेरी विभूतिया, मेरी ऐश्वर्या देखो। पिछला चैप्टर में क्या था, मेरी ऐश्वर्य विभूति के बारे में सुनो, जान जाओगे तो मान जाओगे, बट नाउ सी माय ऑप्यूलेंसेस, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वेराइड डिवाइन एंड मल्टी कलर्ड। इस श्लोका का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, लास्ट वर्ड, फॉर्म्स। दैट मीन्स एनी पर्सन हु एवर सेड कि भगवान निराकारवादी है, एनी रिलीजन इन द वर्ल्ड एवर सेज कि भगवान तो निराकारवादी है, इट इज रॉन्ग। दिस इज कृष्णा, द ओनली एंटिटी टू एवर शो विराट रूप, एंड ही हैज कॉल्ड दिस अ फॉर्म। कृष्णा इज नॉट फॉर्मलेस, गॉड इज नॉट शेपलेस, साइजलेस, फॉर्मलेस, इट हैज अ फॉर्म, ठीक है। और ये 99% लोगों की यही धारणा है, इट्स सो हार्ड टू कम आउट ऑफ इट। दिस इज वाई जो कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस करें ना, ये फॉर्मलेस, शेपलेस एंड ऑल दैट, आपको लग रहा होगा ठीक है मामूली नॉलेज है, हाँ सुन लिया समझ लिया, यू हैव नो क्लू दैट जो आप आज सीख रहे हो वो कितने लोग गीता पढ़ पढ़ के 50-60 साल के एज तक भी रियलाइज नहीं कर पाते हैं, विच मीन्स दैट बाय द ग्रेस ऑफ श्रील प्रभुपाद आप सब, हम सब बहुत ही फॉर्चुनेट है, ठीक है। नाउ श्लोका 6, ओ बेस्ट ऑफ भारतस, सी हियर द डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ आदित्यस, आई वॉन्ट टू शो यू अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन हियर, प्लीज फोकस विथ मी। भगवान अब अर्जुन को बोल रहे हैं कि देखिए डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ आदित्यस, आदित्यस 12 होते हैं, हमने चैप्टर 10 में देख सुना था 12 आदित्यस, आप लोग मेरे साथ प्लस करिए, मैं लास्ट में टोटल पूछूंगा। सो नंबर 1 12 प्लस 8 वासुस थे, ठीक है, जिसमें से एक ब्रह्म है, तो 12 प्लस 8 कर लीजिए, फिर 11 रुद्र थे जिसमें से मेन रुद्र है शिवा, फिर अश्विनी कुमारस जो है वो है 2, तो टोटल कितना हो गया, 33 थैंक यू सो मच, 33, ठीक है। 33 तो 33 करोड़ देवी देवता होते हैं ना, वो 33 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पे हमने जिन 33 को ऐड किया है, दे आर चीफ डेमीगॉड्स, इन चीफ डेमीगॉड्स के अंदर सब डेमीगॉड्स होते हैं, एक एक करोड़ आप मान लीजिए, सो 33 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमीगॉड्स होते हैं, एंड देर आर टोटल 33 करोड़ डेमीगॉड्स ऑफ 33 डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। सो 33 कोटि वाला चीज में अब हमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऑलराइट, ठीक है।
नाउ बिहोल्ड द मेनी वंडरफुल थिंग्स विच नो वन इज एवर सीन और हर्ड ऑफ बिफोर। तो अब भगवान उनको विराट रूप दिखा देते हैं फाइनली। ओ बेस्ट ऑफ भारत, सी हियर ऑल दीज थिंग्स। देखिए गणेश जी, हनुमान जी, रामचंद्र, शिव जी, इंद्र, हनुमान, ब्रह्म, वेद व्यास, सब कुछ दिख रहा है, विष्णु एंड कृष्णा टुगेदर। श्लोका 7। ओ अर्जुन, वट एवर यू विश टू सी, बिहोल्ड एट वंस दिस बॉडी ऑफ माइंड। ऐसा कुछ नहीं है जो दुनिया में देखने को मिलेगा और विराट रूप में नहीं मिलेगा। इट्स एज सिंपल। दिस फॉर्म कैन शो यू वट एवर यू डिजायर टू सी एंड वट एवर यू वॉन्ट टू सी इन द फ्यूचर। ये भगवान तो टाइम के परे हैं, पास्ट फ्यूचर सब दिख जाएगा यहाँ पे। तो एवरीथिंग इज इन वन प्लेस हियर इन फ्रंट ऑफ यू। ये फोटो जो आपको दिख रहा है ना, ये विराट रूप का बेस्ट फोटो है। इससे ज्यादा डिटेल फोटो अभी आपको नहीं मिलेगा। इनफाइनाइट फेसेस है, 33 करोड़ इज नॉट अ जोक। इनफाइनाइट फेसेस, इनफाइनाइट हैंड्स है। आपको नॉर्मल चीजें भी मिलेंगी जो इंसान नहीं है, जैसे कि पेड़ पौधे, आसमान, है ना। रिमेंबर, स्काई, फायर, वाटर, एयर, ईदर, सब मिल रहा है। फॉल्स ईगो, माइंड, इंटेलिजेंस, जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं वो भी दिखने को मिलेगा। जो एनिमल्स अर्थ में नहीं है, चौरसेला क्योंनी में आते हैं बट ऊपर नीचे होंगे, वो भी देखने को मिलेगा। तो डुअलिटी ऑफ वर्ल्ड में आपको अच्छी चीजें भी मिल रही है, बट यहाँ अच्छी चीजें, बट आपको थोड़ा डरावना चीजें भी मिल रहा है, जैसे कि भगवान के मुंह से आग उगल रहा है, सारे कौरवास की आर्मी भगवान के मुंह के अंदर जा रही है। तो इसी चीज के वजह से अर्जुन जी थोड़ा घबरा भी जाएंगे फ्यूचर में, अभी नहीं, अभी वो बहुत खुश है, बहुत सरप्राइज है, ठीक है। बट अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट। श्लोका 8 में भगवान बोलते हैं, अब मैं, ताकि आप मेरा कॉस्मिक फॉर्म को देख सको, जो भी मैंने दिखाया है, अभी आप इसको देखना शुरू करिए, मैं आपको दिव्य चक्षु का ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ फॉर सम टेम्पररी अमाउंट ऑफ टाइम। दिव्य चक्षु, सो आवर आईज आर ग्रॉस सेंसेस, इम्परफेक्ट। हम इंसान की 4 डिफेक्ट्स है और हम इंसान में बोनाफाइड आचार्यस नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम, वो स्पिरिचुअल मास्टर्स ने, अब वो ट्रांसेंडेंटल हो गए हैं। गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस से ट्रांसेंडेंटल हो गया, इस दुनिया के डिजायर से ट्रांसेंडेंटल हो गया। सो उन पे ये 4 डिफेक्ट अप्लाई नहीं करेगा। दे आर बोनाफाइड नाउ, उनका लिबरेशन हो गया है, बट दे आर जस्ट हियर फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। सो क्या है, हम सबकी अ टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स, मिस्टेक्स होते रहती है, टू अर्र इज ह्यूमन, टू बिकम इल्यूजन, हम चीट हो सकते हैं कभी कभी, वी गेट इल्यूजन, कभी कभी माया भी चीट करती है, हमको डिस्ट्रैक्ट कर देती है हमारे गोल से, राइट। टू चीट अदर्स, अ प्रोपेंसिटी टू चीट अदर्स, अरे मेरा काम निकल रहा है ना, अपना काम निकाल लो यार, है ना। एंड देन इम्परफेक्ट सेंसेस, आईज, नोज, इयर्स, स्किन, टंग, इम्परफेक्ट, ठीक। ऑल राइट, सो दिस इज द थिंग। नाउ श्लोका 9, जस्ट अ सेकेंड, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग नाउ, ठीक है। ये जो भगवान का विश्व रूप है, या विशाल रूप है, या विराट रूप है, ये भगवान का भौतिक रूप है, आध्यात्मिक रूप नहीं है। इन द सेंस, ये भगवान का एक मेटेरियल डिस्प्ले है ऑफ हिज पावर्स, राइट। क्या बोला था, योगेश्वर, महायोगेश्वर। सो ये उनका एक होता है ना, अपना मैजिक का पावर्स दिखाना, उन्होंने अपना मैजिस्टिकनेस जो है दिखा दिया है। सो ये जो है, मैं क्यों अभी आपको बोल रहा हूं, हम लोगों को विश्व रूप की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो विश्व रूप है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये आध्यात्मिक रूप नहीं है, ये कोई स्पिरिचुअल इंकार्नेशन नहीं है, ये बस एक मेटेरियल शो ऑफ, डिस्प्ले ऑफ पावर्स है, दैट्स इट, ठीक है। कुछ लोग विश्व रूप को पूजा करते हैं, तो ये इससे पहले सवाल आया, आई हैव क्लियर दैट, एंड एग्जाम्पल दू जिससे सब क्लियर हो जाएगा। जब एक बच्चा, बच्चा से मेरा मतलब है जिसका समझ अभी नीचे है, मेच्योर नहीं हुआ है, जब एक बच्चा रिक्वेस्ट करता है, जैसे जब मैं छोटा था, अभी मेरे दोनों मामा ने मुझको बताया कि वो लोग मेरे साथ बचपन में क्या घिनौना काम करते थे। जब मैं छोटा था तो मैं उनके घर जाता था, नानी के घर, और वहां पे वो लोग, उस टाइम ना वो प्ले स्टेशन नहीं आया था, तो वीडियो गेम होता था, और वीडियो गेम में क्या आता था, सुपर मारियो, इफ यू रिमेम्बर, सुपर सुपर मारियो बोल के गेम था पहले, ऐसी ऐसी चीजें जो जॉयस्टिक से सबसे खेली जाती थी। सो प्ले स्टेशन से पहले भी वीडियो गेम का जमाना था, और वो मेरे नानी के घर पे था, और मैं बहुत फैन था उसका, तो जब भी मैं जाता था तो सब लोग खेल रहे होंगे, मेरे रिलेटिव्स एंड ऑल दैट, तो मैं जिद करता था, मेरे को पूरा टाइम खेलना है, पूरा टाइम रिमोट चाहिए, मैं 2 दिन के लिए आया। तो वो लोग मुझे एक डमी रिमोट देते थे जिसके अंदर या तो बैटरी नहीं है, या वो तार जो है टीवी से कनेक्टेड नहीं है, और जो है मैं अपना चला रहा था रिमोट खुशी खुशी से, हाँ, एंड दे वर ऑल्सो मेकिंग फन ऑफ मी, वाह क्या जंप किया है, वाह तुम तो बहुत अच्छा खेलता है, ब्ला ब्ला ब्ला।
देन दे रियलाइज कि इसको तो रियल में भी देने का जरूरत नहीं है, हम लोग ही खेल लेते हैं, इसको तो पता ही नहीं चल रहा, राइट? दैट इज द थिंग. सो दिस इज फॉर चाइल्ड जिनको है कि मेरे को अभी देखना है भगवान को, अभी देखना है, अभी राइट नाउ. जस्ट एक एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक दूध का पतीला ला रहा हूं और आप बोलोगे मेरे को दही दिखाओ, इस दूध से दही बन जाता है ना, इस दूध से दही बनता है, तो दही दिखाओ, अभी दिखाओ मेरे को, अभी दिखाओ, तो नहीं दिखेगा. प्रोसेस होता है दही को, आप कुछ लैक्टोस जावन डालेंगे, फिर रात भर में वो जो है प्रॉपरली पूरा दूध दही बन जाएगा, तो प्रोसेस होता है. वैसे ही भगवान को प्राप्त करने का प्रोसेस है. क्या भक्ति में 9 कार्य हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चन, विग्रह, ऐसे है ना, पद सेवनम, और कलयुग में सबसे इंपॉर्टेंट है हरि नाम लेना, विच इज कीर्तनम या विष्णु स्मरणम. कीर्तन करते करते भगवान को, विष्णु का स्मरण हो रहा है और श्रवण भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है इसमें, राइट? लेकिन जिनको है कि अब भी प्रूफ करो कि यही भगवान है, तभी हम पूजा करेगा, हमको पहले पता, तो उसके लिए ये रहा, ठीक है? जैसे मेरे को डमी रिमोट पकड़ा दिया गया था खेलने के लिए, वो यहाँ पर ये बच्चों के लिए ये है. सो चैप्टर 11 इज नॉट फॉर अस एनीवे. राइट, नाउ लेट अस मूव अहेड. ओके, संजय महात्मा अब बोल रहे हैं कि ऐसा बोलने के बाद अब भगवान ने अपनी मिस्टिक पावर दिखा दी अर्जुन को, ठीक है? ऑल राइट, 10 और 11 एक साथ है ये दोनों श्लोकास. क्या लिखा है इसमें? अर्जुन सॉ एंड ओके, चलिए हु वुड लाइक टू रीड दिस, लेट मी सिलेक्ट समवन. ईशानवी आप रीड करेंगे ट्रांसलेशन. थैंक यू माता जी. हरे कृष्ण. अर्जुन सॉ इन दैट यूनिवर्सल फॉर्म अनलिमिटेड माउथ्स, अनलिमिटेड आईज, अनलिमिटेड वंडरफुल विजन्स. द फॉर्म वॉज डेकोरेटेड विथ मैनी सेलेस्टियल ऑर्नामेंट्स एंड वोर मैनी डिवाइन अप्रेज्ड वेपन्स. वी वो ही वोर सेलेस्टियल गार्लेंड्स एंड गारमेंट्स एंड मैनी डिवाइन सेंस वेयर स्मर्ड ओवर हिज बॉडी. ऑल वॉज वंडरस ब्रिलियंट अनलिमिटेड ऑल एक्सपेंडिंग. थैंक यू माता जी. सो आश्चर्यमयम, ये वर्ड है ना, आश्चर्यमयम, वंडरफुल, ठीक है? इट वॉज नो लेस देन अ मैजिक. और हम देख सकते हैं इन दैट फॉर्म अनेक वक्त्र माउथ्स, नयनम आईज, अनेक अद्भुत दर्शनम साइट्स, अनेक दिव्य आभरणम ऑर्नामेंट्स, ठीक है? और इस तरह से हम जब नीचे पर्पट में आते हैं तो ये 2 वर्ड्स मतलब 10 11 एक साथ है. यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं द रिपीटेड यूज ऑफ द वर्ड मेनी, अनेक 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 अनेक, इससे क्या इंडिकेट हो रहा है? दैट देयर वाज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ हैंड्स, माउथ्स, लेग्स एंड अदर थिंग्स अर्जुन वाज सीइंग. ही वाज वाचिंग एट कृष्णा इन हिज अनलिमिटेड फॉर्म. 33 करोड़ देवी देवता तो जरूर थे वहां पे, उसके भी अलावा अलग अलग टाइप के जीव जंतु. यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट ही सॉ एंड दीज मैनिफेस्टेशंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द यूनिवर्स, बट बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड अर्जुन कुड सी देम वाइल सिटिंग इन वन प्लेस. जो पूरे दुनिया में फैला हुआ है, अर्जुन इज सो लकी, उनको एक जगह सब देखने को मिल गया थ्रू कृष्णास गिवन दिव्य दृष्टि. दैट मीन्स अदर पीपल इन द महाभारत कुड नॉट सी व्हाट वाज गोइंग ऑन, ठीक है? थैंक यू माता जी. नाउ श्लोका 12, इफ हंड्रेड्स ऑफ, ओके दिस इज कौन कौन श्लोका रिसाइट कर रहा है, कौन रिसाइट कर रहा है अभी अभी इन इस दौरान ये 2 3 श्लोकास? संजय एक सेकेंड, हाँ दिशा, ओके जस्ट अ सेकेंड, निवेद गोयन का आप बताइए. निवेद सर, यस प्रभु जी. कौन बत कौन रिसाइट कर रहे हैं इस श्लोक अभी? दो दो तीन श्लोक हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, कोई बात नहीं. दिशा शर्मा माता जी. संजय सॉरी, रिसाइड आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. कृतिका आप बताइए. थैंक संजय यू माता जी. संजय, ठीक है? सो दिस इज संजय रिसाइडिंग. सो अर्जुन सॉ कृष्णा दिस दैट. अब यहाँ पे दिस इज अर्जुन महात्मा टेलिंग टू हूम अर्जुन, सॉरी संजय किनको बता रहे हैं ये डिस्क्रिप्शन? संजय किनको दे रहे हैं ये, कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स. खुशबू जैन माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. ये धृतराष्ट्र को बता रहे हैं. क्यों, धृतराष्ट्र को खुद क्योंकि
खुद नहीं जाके वो देख सकते हैं? नहीं, वो नहीं देख सकते। देख नहीं सकते? नहीं। ही इज ब्लाइंड. यस यू आर राइट, ही इज ब्लाइंड, इसीलिए उनको अपना असिस्टेंट संजय जी का हेल्प लेना पड़ रहा है. यू आर राइट, थैंक यू माता जी. सो नाउ दिस इज संजय महात्मा सिंह. इफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड मतलब लाखों लाखों सन्स एक साथ आसमान में आ जाए, एक सन आता है उसमें देख लो क्या हालत हो रहा है. ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ ट्रीज हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है, सन में बहुत पावर है और एक सन से पूरा अर्थ सर्वाइव कर पा रहा है, हम उस सन से आंख नहीं मिला सकते. कैन यू यू कैन वी कैन नॉट इमेजिन लैक्स ऑफ सन राइज होगा तो क्या होगा, भस्म. ठीक है, एनीवे सो तब क्या होता है, जो रेडियंस लाखों सनराइज से होता वो रेडियंस इज मे बी रिजेम्बलिंग, देखिए यहां वर्ड यूज किया माइट, माइट शायद, क्या पता उतना सन से भगवान का जो सुप्रीम फॉर्म से जो एफुलजेंस आ रहा है ना, रोशनी आ रहा है भगवान का विश्व रूप से, इट माइट बी रिसेम्बलिंग दैट. मतलब 1 लाख भी नहीं है, शायद 1 लाख, क्या पता और भी ज्यादा सन्स का बात हो यहाँ पे. सो ये अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं, अर्जुन महात्मा देख पा रहे हैं बिकॉज उनका ग्रॉस सेंस नहीं रहा और वो दिव्य चक्षु मिल गया है भगवान से. राइट, सो इट वॉज वेरी वेरी बिग एंड शाइनिंग. ऑल राइट, सो लेट अस डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विष्णु. आई टेल यू व्हाई इसी श्लोक में मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं. देयर आर एंड कि टेक योर पेन पेंसिल एंड अ पेपर और अ कॉपी, ऑल्सो टेक स्क्रीन शॉट ऑफ दिस फोटो बिकॉज मैंने इसको 5-10 बार डिस्कस कर लिया. आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस द टॉपिक रिपीटेडली सो दैट वी कैन गो टू न्यू पार्ट. राइट, बट आई हैव फुल फेथ कि बहुत लोगों को याद नहीं है, इतना भरोसा है आप पे. तो क्या है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ विष्णुस. ठीक है, नंबर वन इज महाविष्णु, जो मेटेरियल वर्ल्ड है ना, पूरा का पूरा मेटेरियल वर्ल्ड एक ओशन है जिसको बोलते हैं कारण ओशन, कॉजल ओशन. और इस ओशन में कारणो दक्षाय विष्णु रेस्ट कर रहे हैं, जिसको हम सिंपल में जैसे निकनेम देते हैं ना, महाविष्णु निकनेम मिल गया इनको. महाविष्णु इज ओनली वन द बिगेस्ट, ये सो रहे हैं, इनका स्किन पोर से यूनिवर्स आ रहा है, यूनिवर्स जा रहा है. इमेजिन हाउ बिग ही इज, यू कांट इमेजिन. अब एक एक जो बबल निकला इनके स्किन पोर से, उसके अंदर एक और विष्णु है, हर बबल का मालिक एक विष्णु, दैट इज गर्भो दक्षा विष्णु. गर्भ, इनका गर्भ से, वूम, इनके गर्भ से हमारा दुनिया बन रहा है. कैसे, इनके गर्भ से लोटस निकला, लोटस से ब्रह्मा जी निकले, ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाया. ठीक है, तो गर्भो दक्षाय विष्णु. और ये ओशन, ये बबल के अंदर जो पानी है, इस ओशन का नाम है गर्भो दक्षाय ओशन. और इनकी सेवा कर रही है माँ लक्ष्मी, जो फॉर्च्यून, पूरा दुनिया का सर्वाइवलिटी फॉर्च्यून चला रहा है, ब्लेसिंग्स दे रहा है. ठीक है, और ये भगवान के चरण पे है और ये भगवान भी रेस्ट कर रहे हैं, ही इज ऑल्सो रेस्टिंग. इस पूरे मेटेरियल वर्ल्ड में वी ऑल हैव टू वर्क. इफ यू रिमेंबर चैप्टर 3, वी ऑल हैव टू वर्क, आइदर यू आर अ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, नो बडी कैन रिफ्रेन फॉर वर्क इवन फॉर अ सेकेंड. बट द ओनली एंटिटी हु इज नॉट वर्किंग इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज कृष्णा और विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु. सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ भी महाविष्णु सो रहे हैं. तो हमको ये उल्टा इंस्पिरेशन नहीं रहे ना कि चलो हम भी सो लेते हैं, नहीं, हमको काम करना है, ये एक्सेप्शन है. ठीक है, और ये ब्रह्मा जी चला रहे हैं. नाउ द थर्ड विष्णु, मोस्ट एक्सपांडेड विष्णु इज शिरोदक्षाय विष्णु. शिरोदक्षाय विष्णु कहाँ है, हर जीव जंतु के आत्मा में है, इसीलिए वी शुड नॉट हार्म ऑल्सो अदर जीव जंतु. हम जो है सबके अंदर परमात्मा भगवान का वास है. ठीक है, सो दैट इज द थिंग. और ये रहा शिरोदक्षा विष्णु का एग्जाम्पल, ये हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट के अंदर हम है आत्मा, और शिरोदक्षा विष्णु को निकनेम दिया है परमात्मा, परमात्मा. ठीक है, तो हम अपना कर्मों का फ्रूट्स खा रहे हैं, कुछ खट्टा फल है, कुछ मीठा फल है, कुछ पाप का, कुछ पुण्य का, और ये देख रहे हैं कि कब मैं यहां पर ध्यान ना देकर अपना नेक टर्न करके भगवान को देख लूं और भगवान को अपना लो, ना कि इस फ्रूट्स को. तो भगवान जो देते हैं वो पुण्य नहीं है, वो भक्ति है. आज भी बहुत सारी एजेड एजेड माता जी से जब मैं बात करता हूं तो मुझे पता चलता है हम अभी भी पुण्य कमाने के पीछे भाग रहे हैं. चैंटिंग करो तो पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा, उससे भी बहुत कुछ ऊपर का मिलेगा. और ये पुण्य इज नथिंग कंपेयर टू भक्ति. फल, फल जो होता है ना, आप पुण्य वर्ड को छोड़ के आ जाओ,
घर के बाहर छोड़ के आ जाओ। वो मायापुर ट्रिप में जो माता जी पुण्य पुण्यवर्ती, मैंने बोला ट्रेन में छोड़ के आ जाओ पुण्य वर्ड को, गुवाहाटी लेके वापस मत जाना ये वर्ड। जैसे एक और बार मैंने आपको बोला था कि आप खाना खाना छोड़ दीजिए, ईट प्रसाद, मतलब खाना खाना छोड़ मत दीजिए, खाना खाइए, बट एंश्योर दैट इट इज सात्विक, एंड एटलीस्ट घर में मंदिर नहीं है तो मन ही मन भगवान को ऑफर, या बाहर खाने गए हो पुचका खाने गए हो मोमो खाने गए हो, अगेन नो ऑनियन नो गार्लिक वाला, तो मन ही मन ऑफर कर दो श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, या एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल दो, ऑफर करके खा लो, तो वो बन गया प्रसाद, मानसिक रूप से आपने भोग लगा दिया। सो ईट प्रसाद बिकॉज यू डोंट नो, जो व्यक्ति खाना बना रहा है ना उसका, जब खाना खाते हैं तो उसका कर्म हम तक पहुंच जाता है भले हमने वो काम ना किए हो। तो हाउ विल वी स्टॉप आवर सेल्व्स बाय ऑफरिंग इट टू द लॉर्ड। तो हम भगवान पे एहसान नहीं कर रहे हैं, प्रसाद खा के हम अपना ही भला कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट, फाइन। सो अब क्या है, ये श्लोक हम डिस्कस कर रहे थे, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ विष्णु, ठीक है, और इनसे परे है भगवान कृष्ण जो है परम विष्णु। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि ये लाइट इतनी स्ट्रांग होती है जो अर्जुन महात्मा डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, लाइट दिख रहा है आंख में, बाद में पता चलेगा कि ओ ये तो गाड़ी है, फिर बाद में पता चलेगा कि इस गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर है, राइट। सो हम लोग लाइट के पीछे भाग जाते हैं, वी डोंट रियलाइज कि ये जो लाइट है जिसके अंदर तीन विष्णु काम कर रहे हैं, ये लाइट, इसी लाइट की बात हो रही है, भगवान कृष्ण से जो लाइट निकलता है। सो दैट मीन्स इस लाइट के पीछे कोई ड्राइवर है, भगवान कृष्ण है, लेकिन मैक्सिमम 99% ऑफ द वर्ल्ड बिलीव दैट देर इज गॉड, बट इट इज फॉर्मलेस एंड शेपलेस एंड साइजलेस, दैट इज द थिंग, दैट इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड। 13 श्लोक, एट दैट टाइम अर्जुन कुड सी इन द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, क्या दिखा अर्जुन जी को, अनलिमिटेड एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स, अलग अलग यूनिवर्स दिखा, स्वर्ग नर्क ब्रह्मलोक, अलग अलग लोक, अलग अलग जीव जंतु, सब कुछ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यू कांट से व्हाट ही सॉ इन वर्ड्स एंड इन वन प्लेस, ऑल दो डिवाइडेड इन टू मेनी मेनी थाउजेंड्स, स्वर्ग कहाँ नर्क कहाँ, बट सब दिख रहा है आसपास, सब एक साथ, ठीक है, दैट इज द थिंग। दस ये इस हमारे चार चैप्टर्स है ना, आर यू पी ए, इस चैप्टर में चार सेक्शन है ना, तो ये लास्ट सेक्शन है विराट रूप का, यू फॉर यूनिवर्सल फॉर्म। देन बिविल्डर्ड एंड एस्टोनिश्ड हिज हेयर वॉज स्टैंडिंग ऑन एंड, जो है हेयर वॉज स्टैंडिंग, और अर्जुन बोर्ड हिज हेड, अपना सर झुका के भगवान को प्रणाम किया विथ फोल्डेड हैंड्स एंड बिगेन टू प्रे टू द सुप्रीम लॉर्ड। अब नेक्स्ट से अर्जुन उवाच आएगा, अब संजय उवाच खत्म हो रहा है, ठीक है। सो यू कैन सी द होल वर्ल्ड वॉज ऑब्लिवियस टू वॉट वॉज गोइंग ऑन बिकॉज अर्जुन हैड दिव्य शक्ति, कृष्ण वॉज जस्ट देयर स्टैंडिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट अर्जुन कुड सी द विराट रूप, ठीक है। सो दैट इज द कनेक्शन, जैसे पार्टी में आपने देखा होगा बचपन में, जो हम जाते हैं बाहर मेहमानों के पास, या घर में मेहमान आते हैं, मतलब बाहर वालों के पास, हमारी मम्मी आंखों आंखों में इशारा से बात कर लेती है, आंख में आंख दिखाता है ना, गुस्सा कर रहा है, मत करो बदमाशी, तो हो रहा है ना कनेक्शन, बिकॉज यू एंड योर मॉम आर कनेक्टेड, सो यू नो कि आंखों आंखों में बात हो गई और बाहर वालों को पता नहीं चला, बेसिकली यहाँ वही हो रहा है, लविंग रिलेशनशिप। सो आर खत्म हो गया, आर नीचे आ गया था गलती से, यू खत्म हो गया, अब थर्ड पार्ट हम लोग एक ही श्लोक का करेंगे, प्रेयर्स ऑफ अर्जुन। सो अर्जुन उवाच, माई डियर लॉर्ड कृष्णा, आई सी असेंबल्ड इन योर बॉडी ऑल द 33 करोड़ डेमी गॉड्स, ऑल द वेरियस अदर लिविंग एंटिटीज, जो इस वर्ल्ड के भी ना हो या एक्सटेंट हो गए हो, ब्ला ब्ला ब्ला, आई सी ब्रह्मा सिटिंग ऑन द लोटस फ्लावर इन योर बॉडी, सी ये ब्रह्मा, एज वेल एज लॉर्ड शिवा, ठीक है, हियर आई थिंक वी कुड हैव फाउंड लॉर्ड शिवा एंड द सेजेस एंड द डिवाइन सर्पेंट्स। सो यहां पर हमको सब दिख रहा है, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ भगवान कृष्ण में है, ये हमको प्रूफ मिल गया विजुअली विराट रूप में, ठीक है। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन का डिस्कशन यहां तक खत्म होता है, सेशन खत्म होने में 5 मिनट टाइम है, ठीक है, तो छोड़ के मत जाइएगा। तो 15 श्लोक हमने आज कर लिया, नेक्स्ट संडे और 15 श्लोक करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने अपने साधना शीट्स को फिल करिए। मैं अभी यहां पे एक सवाल आपसे पूछता हूं, ये जो फोटो है जो मैंने बार बार ग्रुप में दिया है, किस किस ने अभी तक इसका प्रिंट आउट निकाला है, प्रिंट आउट तो निकालना पड़ेगा, या चलो डिजिटली फिल कर रहा है, दो में से कोई एक काम तो करना ही होगा। सो किस किस के पास इसका कॉपी है निकाला हुआ, प्लीज रेज योर हैंड्स, बिकॉज जिसके पास नहीं है, इट ऑटोमेटिक इंप्लाइज कि वो, उनके पास अभी समय नहीं मिल पा रहा कि वो भर पाए,
ठीक है. सो या दैट इज वेरी वेरी गुड टू वॉच. एंड अदर्स, बाकी उसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा समय निकाले. यू हैव नो क्लू ये अकाउंटेबिलिटी आपको भी कितने फायदेमंद रहेगा. व्हेन यू लुक बैक एट व्हाट यू वेयर एंड हाउ यू आर इंप्रूविंग, यू विल बी एबल टू बेटर असेस योर सेल्फ. ये बहुत जरूरी है, ठीक है. एंड आप लोग ग्रुप में ध्यान दीजिएगा आज, नहीं तो विद इन दिस वीक मैं एक मैसेज भेजूंगा जिसमें वी आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग जो एक्चुअली करना चाहिए साधना शीट में. मैंने शुरू में बस आपको हैबिचुअल करने के लिए बस दे रखी भरो. अब इसमें पॉइंट सिस्टम होगा. फॉर एग्जाम्पल अब क्या होगा ना, आपके पास नंबर्स होगा कि क्यों फलाना प्रभु जी या माता जी स्टूडेंट ऑफ द वीक है या स्टूडेंट ऑफ द मंथ है. बिकॉज अब क्या होगा, व्हाट टाइम डिड आई राइज. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिफोर 6 AM आप जाग गए हैं तो आप अपने आपको 10 पॉइंट दीजिए. अगर आप बिफोर मान लीजिए 8 AM जाग गए हैं तो 5 पॉइंट्स, आफ्टर 8 AM तो मे बी 0 पॉइंट्स, राइट. तो ऐसे हम पॉइंट सिस्टम होगा, वो पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको दे दूंगा, आप खुद अब से पॉइंट्स अपने आप को दे पाओगे. तो एंड में जो टोटल है उससे पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है, राइट. एंड यू डोंट हैव टू वरी किसी का भी पॉइंट्स, जैसे मैं किसी के बारे में ग्रुप में नहीं बताता कौन क्या करे, सबका लाइफ में प्राइवेसी है, वैसे ही किसी का पॉइंट्स को है हम अनाउंस नहीं करेंगे. सिर्फ और सिर्फ विनर का पॉइंट अनाउंस करेंगे ऑफ कोर्स, नोबडी एल्सेस, ठीक है. सो प्लीज टेक दिस सीरियसली. इफ यू डोंट हैव दिस पिक्चर यू टेक्स्ट मी, आई विल सेंड यू इट एंड यू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट राइट नाउ, ठीक है. दैट्स इट. ऑल राइट, आई स्टार्टेड दिस सेशन विद चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमने डिस्कस किया ना, तो मैं आज एक अपने गुरु महाराज का एक यूट्यूब शॉर्ट देखा मैंने, जो मैंने सोचा आपसे मैं डिस्कस करूं. उसका टॉपिक ये था, इवन डिसरेस्पेक्टफुल चैंटिंग हेल्प्स यू. एग्जाम्पल, एक स्टोरी है. आज से 500 साल पहले इट वॉज द नाइट ऑफ, ये चैतन्य महाप्रभु का बर्थ किस सर्कमस्टेंस में हुआ, वेस्ट बंगाल में. इट वॉज द नाइट ऑफ लूनर इक्लिप्स. लूनर इक्लिप्स मतलब, लूनर इक्लिप्स क्या होता है, सन और मून के बीच में अर्थ है, दैट इज लूनर इक्लिप्स. और आसान भाषा में बोलूं तो पूर्णिमा की रात भी थी. यू कैन सी अ फुल मून, दिस इज अ नाइट स्काई एंड अ फुल मून. ब्रह्म मुहूर्त, जब लोग उस टाइम ब्रह्म मुहूर्त में एक वैष्णव लोग नहाने आते थे गंगा में, उस टाइम क्या हुआ इन फेब्रुअरी ऑफ 1486, और इसीलिए हर साल फेब्रुअरी मार्च होली के आसपास गौर पूर्णिमा फेस्टिवल आता है. और ये एक्चुअली वैष्णवस के लिए न्यू ईयर है. गौर पूर्णिमा मतलब गौरांग महाप्रभु का बर्थडे हुआ था पूर्णिमा वाली रात में. सो गौर पूर्णिमा, द पीपल ऑफ नवदीप, ठीक है, नवदीप इज इन वेस्ट बंगाल जहां हम गए थे मायापुर में, और यहाँ पे हम लोग देख कर भी आए थे वो नीम का पेड़ जिसके नीचे उन्होंने जन्म लिया चैतन्य महाप्रभु ने, तो उनको निमाय उनका निकनेम है, निमाय. सो ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा पीपल वेर बेथिंग इन ब्रह्म मुहूर्त एंड एज द चांस ऑफ हरी फिल दिया, क्योंकि नहाने के टाइम हरे कृष्णा सब चिल्लाते हैं, और कुछ लोग जो है ठंड के मारे चिल्लाते हैं, ठंड के मारे भगवान की याद आ जाती है, फेब्रुअरी में गंगा में नहा रहे हैं सुबह सुबह, कैन यू इमेजिन, राइट. सो उस टाइम हरी हरी सब भगवान का नाम ले रहे थे, देवी देवता भी ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे थे. दैट इज द टाइम व्हेन जगन्नाथ मिश्रा नामक पंडित के घर में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, हरी बोल. उस टाइम क्या हो रहा था, इस एरिया में मुस्लिम्स भी रहते थे, और मुस्लिम्स उस समय दे वर मॉकिंग, बिकॉज ये लोग जब चिल्ला रहे हरी हरी दे वर मॉकिंग, अरे क्या दिन भर हरी हरी हरे कृष्णा करते रहे, हरे कृष्णा क्या हो गया, हरे कृष्णा ऐसे मॉकिंग में हरे कृष्णा बोलते. इवन दैट हेल्प देम. सो इवन डिसरेस्पेक्टफुल चैंटिंग हेल्प्स. तो इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ यू आर चैंटिंग रेस्पेक्टफुली विथ लव अर्ली इन द मॉर्निंग, टेकिंग शावर वन होल राउंड एवरी सिंगल डे. यू हैव नो क्लू, वी हैव नो क्लू. सो प्लीज टेक हरी नाम सीरियसली. जस्ट अ सेकेंड, या आई कैन सी इट्स 11 o'clock, सो आई वुड एंड द सेशन हियर विद द अटेंडेंस. प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन. और हाँ, हरे कृष्णा महामंत्र जो बोलते हैं 108 बार शुरू करने से पहले 0 पे और 108 एंड में, ये पंचतत्व मंत्र जिसका आज आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा वो भी बोलना है. आई होप यू नो दैट, बट स्टिल इफ यू डिड नॉट नो स्टार्ट दैट फ्रॉम टुडे. इट टेक्स 5 to 7 minutes. एंड आई टेल यू समथिंग, आपको मिल गया कि ये हरी नाम एक दवाई है, ये दवाई ले लो ठीक हो जाओगे, लेकिन दवाई को डॉक्टर दवाई के साथ साथ लिखता भी है, 2 times a day, इस टाइम पे नाश्ता के बाद गर्म पानी के साथ इतना चम्मच, ब्ला ब्ला. सो हाउ टू कंज्यूम अ मेडिसिन, व्हाट इज द मेडिसिन यू नो. आपको चैंटिंग में रस नहीं आ रहा होगा, तभी हम लोग इतना चैंटिंग नहीं कर रहे हैं आज के डेट में. रस क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज गलत तरह से दवाई ले रहे हो. एक दिन ना गलती से एक दिन सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के नहा के एक मारा कर लेना बैठ के बिना फोन के. क्या मांगा मैंने आपसे, 5-7 मिनट का समय मांगा ना, यू गिव मी 5 मिनट्स.
यू गेव मी 1 आवर, आई रिक्वेस्ट 5 मिनट्स मोर, बस कल ही ट्राई करके देख लेना एंड देन यू विल फाइंड, धीरे धीरे ऐसे करते रहोगे तो यू विल फाइंड रेस्ट इन चैंटिंग. थैंक यू सो मच. 3, 2, 1, हरे कृष्णा. एक और 3, 2, 1, हरे कृष्णा. थैंक यू. आई विल सी यू नेक्स्ट सैट संडे. जिनका डाउट है वो रुक सकते हैं. हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा. दिशा शर्मा माता जी, ठीक नहीं प्रभु जी, मैं डाउट नहीं, गलती से भेज है. दिया। कृतिका बिरमीवाल. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा डाउट है कि संजय जी के पास भी क्या दिव्य दृष्टि थी? संजय जी के पास भी थी. यू आर वेरी वेरी राइट. क्यों? संजय जी ना किसके स्टूडेंट थे? वेद व्यास के. वेद व्यास भगवान कृष्ण का ही एक इंकार्नेशन है, ठीक है. तो कुछ कुछ लोगों को लगता होगा कि कृष्ण ने जो बोला, वेद व्यास ने ऊपर नीचे कुछ लिख दिया होगा. कृष्ण ने जो बोला वो कृष्ण के एक इंकार्नेशन ने लिखा है. सो वेद व्यास वॉज कृष्ण इंकार्नेशन, टीचर ऑफ संजया. तो हाँ, उन्होंने संजय जी को ये पावर पहले से दी थी. अर्जुन जी को टेम्पररी मिला, संजय महात्मा को लाइफ लॉन्ग के लिए मिला था, ठीक है. नाइस क्वेश्चन. खुशबू जैन. हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने 11.6 में वो हमें 12 आदित्य, 8 वासुस एंड 2 अश्विनी कुमारस के बारे में बताया था ना, तो वो 2 अश्विनी कुमारस कौन है? हाँ, नाइस क्वेश्चन. मैं उनके नाम जानता नहीं हूं, मैं पूछ के आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि अभी तक भी गीता में आया नहीं वो उनके नाम, ठीक है. सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं पूछ के आपको बताऊंगा. थैंक यू प्रभु जी। ईशानवी माता जी, आप बोलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया था कि कालोदक्षय विष्णु महाविष्णु है, ये क्यों है महाविष्णु? क्योंकि महावर्ड किसमें लगा दो, जो सबसे बड़ा है, राइट. तो तीन विष्णु में सबसे बड़ा है कारणोदक्षा विष्णु. हम सबके अंदर शिरोदक्षा विष्णु है, और पूरे दुनिया में अलग अलग बबल्स में गर्भोदक्षा विष्णु है. दे आर मल्टीपल, बट दिस कारणोदक्षा विष्णु इज ओनली वन, ओनली वन, नॉट इवन टू. सो एंड इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल, है ना. तो इट इज कॉल्ड महाविष्णु बिकॉज ये थैंक सबसे महान है, सिंपल. ठीक है. थैंक यू पंखुरी माता जी. यू। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, मेरी एक दोस्त थी, वो मुझसे पूछ रही थी कि हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लेकिन प्लांट्स में भी तो लाइफ होता है, तो हम तो प्लांट्स खाते हैं, तो वो कैसे, मतलब किसी का जान नहीं लेना हुआ? वेरी नाइस क्वेश्चन. बहुत लोगों को डाउट होता है इस बारे में. हमें कृष्णा ने सैंक्शन किया है, यू कैन ईट प्लांट्स. पत्रम पुष्पम फलम तोयम. आप ये चीज फल के बारे में भी बोल सकते थे, पत्र के बारे में आपने बोला. यू कैन ईट फ्रूट्स ऑल्सो, वेजिटेबल्स ऑल्सो, यू कैन ईट लीव्स ऑल्सो, यू कैन ईट प्लांट्स ऑल्सो. इसको भगवान ने सैंक्शन किया है, ठीक है. दे टेक बर्थ टू सेक्रीफाइस, कभी शैडो के रूप में, कभी ऑक्सीजन देने के रूप में, कभी हमारी ईटिंग के रूप में. जो चावल अनाज उगता है, वी आर सपोज, वी हैव बीन सैंक्शन. अभी हम लोग चैप्टर 11 में है पंखुरी माता जी. वी विल कम टू चैप्टर 14, 15, 16. उसमें हमें प्योरली प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेंगे कि किस टाइप का फूड सात्विक है, किस टाइप का फूड तामसिक है. ऑल्सो एक साइंटिफिक रीजन ये भी है कि ये जो आपने जो एग्जाम्पल दिया प्लांट का या फ्रूट्स का, इस सब में लाइफ का फॉर्म बहुत सटल होता है, तो इनको पेन नहीं होता व्हेन यू आर ईटिंग देम. बट एनिमल्स, ओ नो, वी ह्यूमंस आर ऑल्सो एनिमल्स, अ वेरी डेवलप्ड एनिमल्स, होमोसेपियंस. सो जस्ट लाइक अस, बाकी एनिमल्स को भी बहुत पेन होता है, ठीक है. तो बिकॉज आवर लाइफ फॉर्म इज वेरी मच एक्टिव एंड देयर इट्स वेरी मच सटल, ठीक है. सो दैट इज द जी थिंग. गुरु। थैंक यू. काइबल्य प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक डाउट था कि एज ए डिवोटी हमारे सराउंडिंग में जो टॉक्सिक पीपुल हैं उनको कैसे डील करें? कौन है टॉक्सिक सराउंडिंग में आपके? मतलब जो कॉलेज में या हॉस्टल में ऐसे। हाँ जी, क्या टॉक्सिक हो गया आपके साथ? टॉक्सिक है मतलब टॉक्सिक इन द सेंस, आपको जहर दे रहे हैं खाने में, या क्या टॉक्सिक, किस लिए, क्या एक्शन हो गया, क्या वर्ड दे दिया उन्होंने? मतलब बताना, मैंने मतलब वो बोलने में ऐसे थोड़ा। ठीक है, हो, ठीक है. मे बी आप ये बोल सकते हैं कि उनकी हैबिट्स डेवोटी टाइप की नहीं है, तो आप उनके साथ वाइब नहीं कर पाते हो, राइट. हाँ, ठीक जी है. जी सो हम सब स्कूल कॉलेज में जाते होंगे जहां में ऐसे लोग हाँ होते हैं. ऑब्वियसली बात है, सब लोग डेवोटी नहीं बन सकते हैं, नहीं ठीक है. जी। तो काइबल्य जैन प्रभु, मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. आप सुबह कितने बजे उठते हैं?
प्रभु जी 4 साढ़े 4 के बीच में। ब्यूटीफुल। और आप सुबह जैसे क्या करते हैं फिर बिफोर गोइंग टू कॉलेज, क्या मॉर्निंग साधना है आपका? पढ़ाई वढ़ाई करके जाते हैं पढ़ाई करके मतलब। जाते हैं, और लाइक भक्ति हाँ वाइज क्या करके जाते हैं? प्रभु जी, अभी तो मैं 1 महीना हुआ हॉस्टल में आया हूँ, तो मैं मेरा बीड बैग नहीं लाया हूँ, तो चैंटिंग नहीं कर पाता हूँ ठीक है, चलिए तो। ठीक है, आप अपना और एड्रेस मुझे बताइएगा, मैं आप तक बीट बैक पहुंचा दूंगा। बट द पॉइंट हाँ इज प्रभु, नो डाउट पढ़ाई तो करना अच्छी बात है, बट सुबह सुबह थोड़ा सा अपने आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है, भले ही 15-20 मिनट। जी बिकॉज जब तक हमने सीट बेल्ट नहीं पहना तो गाड़ी गाड़ी का एक्सीडेंट होने का चांसेस है। जब तक जी ऑक्सीजन मास्क नहीं पहना तो थोड़ा सफोकेशन का चांसेस है, कभी भी एयरप्लेन में टर्बुलेंस आ सकता है। द पॉइंट इज वी विल नेवर फाइंड डिवोटीज इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। दैट डज नॉट मीन कि हम स्कूल कॉलेज पढ़ाई छोड़ के घर आ जाए, बट हमें लोटस स्कूल की तरह रहना है। रिमेंबर हरिदास ठाकुर, हमारा श्रद्धा इतना स्ट्रांग नहीं है, हमारा साधना इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हम बाहर जाके इफेक्ट होके आ रहे हैं। क्योंकि अगर हमारा स्ट्रांग होता तो हमारे बाहर जाने से और दूसरा हमसे पॉजिटिवली इफेक्ट हो जाता। ये मुद्दा है, ठीक है? सो वी शुड रीड गीता मोर सिंसियरली, चैंट मोर सिंसियरली, डू आवर मॉर्निंग साधना, स्टे इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एज मच एज पॉसिबल। इस सबसे यू आर रेडी टू गो एंड फेस द वर्ल्ड। अब आपको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। अब 4 में से 2 जन शायद आपसे आपको देख के इंस्पायर हो जाए आपसे, ठीक है? लुक जी एट प्रभु माई जी, फ्रेंड्स, ऑल ऑफ देम आर नॉट डिवोटीज बट दे रेस्पेक्ट द थिंग आई एम डूइंग, बिकॉज नाउ मे बी दे आर स्लोली स्लोली एबल टू अंडरस्टैंड। इट डिड नॉट हैपन इन डे वन। सो हमें एक तो सबसे बड़ी बात, आप टॉक्सिक डिफरेंस के साथ कितना सामने से इंटरेक्ट कर रहे हो। हमें पढ़ाई स्कूल में करने जाते हैं, पढ़ाई कॉलेज में उतना उस रेटेड जो भी कर रहे हो दैट इज फाइन, बट उससे ज्यादा अगर हम अटैचमेंट है कि इसके साथ मैं खेल भी लू, कूद भी लू, ये भी कर लू, वो सब भी एक लिमिट तक करना चाहिए। ज्यादा एसोसिएशन करेंगे ना, ओपिनियन शेयर होगा, ओपिनियन मैच होगा, एंड बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, राइट? तो आप ना भक्तों के जी रहेंगे ना आप कर्मियों के रहेंगे, आप बीच में लटक जाओगे। सो अपना मॉर्निंग जी साधना नंबर 1 स्ट्रांग करिए, जी नंबर 2 आप जो है जिस पर्पस के लिए जा रहे हो उस पर्पस पे फोकस करिए। और लेट मी टेल यू समथिंग, कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता है, स्पेशली इन द मेटेरियल फेज ऑफ लाइफ कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता, सब अपने मतलब के लिए है। प्लेस टाइम या सर्कमस्टेंस अभी मैच कर रहा है तो साथ में है, ठीक है? प्रभु जी, तो वी हैव टू प्रभु रिमेंबर दिस। ऑल राइट, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, प्रणाम।